इनसे जान छुड़ानी मुश्किल है। सही बात है, इनके लिए मौत सबसे बड़ी कामयाबी है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत मुसलमानों का मुकाबला कर सकते हैं। शहादत ही सब कुछ। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेकर आए बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं प्रिडिक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 बाय डॉक्टर इसरार अहमद जी। तो हमने इनकी बहुत वीडियोस देखी हैं, बहुत वीडियोस के अंदर ये हमें समझाते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। कल हमने इनकी वीडियो देखी है, आखिरी खुतबा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आज की जो वीडियो है प्रिडिक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, अगर ये कोई बात करे तो मतलब लाजमी है कि वो बहुत ही ऐसा टॉपिक होने वाला है कि इन्होंने कुछ सोच समझ के बोला होगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, इनकी वीडियोस जितनी भी हम देखते जा रहे हैं, इनके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिल रहा है कि इन्हें काफी ज्यादा जो है वो कुरान की नॉलेज है, और बहुत सारी चीजों को ये बहुत एनालाइज करके बोलते हैं। मीन्स अगर हम वीडियोस को ध्यान से देखते हैं तो इनके जितने भी प्रेडिक्शन कह लीजिए या इनके जितने भी बयान हम सुनते हैं वो हमें काफी लॉजिकल लगते हैं, कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बातें करते हैं, काफी लॉजिक के साथ हमें हर चीज समझाते हैं। तो इनकी वीडियोस हमेशा हमारे लिए स्पेशल होती हैं, और आज की इस वीडियो में इन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 का प्रिडिक्शन किया है, तो आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लावालम, ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ, मेरे गुमान है कैसे होगा कि इतनी बड़ी ताकत एटमिक पावर्स के मुकाबले में मुसलमान दोबारा मैदान में आकर और जीतते चले जाए। मेरा गुमान यह है, वल्लाहु आलम। इस पूरे मामले का सारा जो है एरिना जो है वो है मिडल ईस्ट, यूरोप, जिसमें हदीस में आया है कि रूमी ईसाई 80 झंडों तले तुम पर हमला करेंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी, 10 लाख। और मुझे हाल ही में मालूम हुआ है कि आजकल जो एक डिवीजन होता है वो 12,000 का होता है। तो 80 डिवीजन्स आर्मी आएगी। लेकिन मालूम ऐसा होता है कि रूस, चाइना, जापान और मेरे ख्याल में इंडिया भी, ये न्यूट्रल रहेंगे, निमट लो आपस में। तो इब्राहिमी कौमों का झगड़ा है ना कि फिलिस्तीन किसका है, मुसलमान कहते हैं हमारा है, यहूदी कहते हैं हमारा, ईसाई कहते हैं हमारा, तो निपट लो, सेटल योर स्कोर्स। लेकिन कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल न हो, अगर वो हुए तो फिर हम मैदान में आ जाएंगे। मेरा गुमान ये है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे मगरबी तहत, और फिर जंग के अंदर मुसलमानों के साथ जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं है। जिनको मौत अजीज है, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए, और वो मरने को तैयार नहीं है। वो तो 40,000 फुट की बुलंदी से डेजी कटर फेंक सकते हैं, नीचे नहीं आएंगे। और जब नीचे कुछ उतरे थे तो जो हशर किया था, तो जो बात कही थी रब्सफेल्ड ने, वेरी टेनेशियस फाइटर्स, ये अफगानिस्तान अफगान वाले जो है ये तो चिमट जाने वाले हैं, ये जंग ऐसे जंगजू हैं, इनसे जान छुड़ानी मुश्किल है। सही बात है, इनके लिए मौत सबसे बड़ी कामयाबी है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत मुसलमानों का मुकाबला कर सकते हैं, शहादत ही सब कुछ है। ये है मेरा गुमान, वल्लाहु आलम। बहरहाल पहला मरहला किसी अजमी मुल्क में, जो मेरे नजदीक पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे मुश्तमिल होगा, खिलाफत का निजाम पहले आएगा, फिर यहां से फौजें चलेंगी, हजरत मेहदी की हुकूमत कायम होगी, फिर वह हजरत मेहदी जो है वो जिहाद करेंगे, कताल करेंगे, और इस कताल के आखिरी मरहले पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दाखिल हो जाएंगे, और गालिबन उनके जरिए से फिर जितना इलेक्ट्रॉनिक इनका हिसाब किताब है वो खत्म हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया उनकी आंखों में ऐसी तासीर होगी जहां तक निगाह जाएगी यहूदी पिघल जाएंगे। अच्छा। कोई बहुत बड़ा लेजर होगा, और जाहिर बात है कि इनके ये हथियार जो है इनका मुकाबला तो मुसलमान नहीं कर सकते, और ना अभी आप कोई 100 बरस भी ये सोच सकते हैं कि कोई मुसलमान मुल्क इतनी तरक्की कर सकता है कि उनके मुकाबले में पहुंच जाए इन हथियारों के मामले में।
तो ये असल में जो शख्स सरापा मौजदा था, हजरत ईसा जो है सरापा मौजदा, पैदाइश मौजदा, आसमान पर उठाया जाना मौजदा, खलके हयात बनाया, मिट्टी का परिंदा फूंक मारी उड़ने लगा, एहयाए मौता, मुर्दा को कहा उठो कुम बिज़्निल्लाह, उठ गया चलने लगा, मादरजाद अंधे के आंख पर हाथ फेरी और उसको आंखें अल्लाह ने दे दी, कोढ़ी के जिस्म पर हाथ फेरा और कोर साफ, इससे बड़े मौजदे तो किसी को दिए ही नहीं गए। सरापा मौजदा वही आकर आखिरी जो भी होगा मामला उसके अंदर हजरत ईसा की मौजदाती शख्सियत जो है दर हकीकत वो फैसला कर दे। मेरे नजदीक ये है वो चीजें जिसकी बिना पर मैं समझता हूं कि हाथ हालात जो है जिधर जा रहे हैं, हजरत ईसा के आने के बाद दो नतीजे निकलेंगे, ईसाइयों का मजहब खत्म हो जाएगा। अच्छा। हदीस में आया है कि ईसा आएंगे, यकसुरु सलीब व यकतुलुल खिंजीर, कितनी बड़ी बात है, सलीब को तोड़ देंगे। क्या मतलब, कहां तुम सलीब उठाए फिर रहे, मैं सलीब दिया ही नहीं गया, ये सब तुम्हारा एक मनगढ़ंत किस्सा है, मुझे तो अल्लाह ने पहले उठा लिया था, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, सलीब ही पर खड़ी हुई है ईसाइयत सारी की सारी, और खिंजीर को कत्ल कर दी, खिंजीर तुमने कैसे हलाल कर लिया अपने लिए, कभी इस्लामी शरीयत के अंदर मूसा की शरीयत में हराम था, वही मूसा की शरीयत में तुम्हें देकर गया था, डोंट थिंक आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय लॉ, ये लॉ तुम पर नाफिज रहेगा। सही बात है, गोया के ईसाई मजहब खत्म होकर इस्लाम में मुंतखब हो जाएगा, यहूदी एक एक खत्म कर दिया जाएगा। यहूदी क्यों इस अंजाम के मुस्तहिक हैं, अल्लाह का पुराना कायदा चला आ रहा है, जिस कौम की तरफ किसी रसूल को भेजा अगर कौम ने बहसियत मजमूई रसूल का इंकार किया वो हलाक कर दी गई। कौम नूह हलाक हुई या नहीं, कौम हूद आद हलाक हुई है नहीं, कौम समूद जिनकी तरफ हजरत साले भेजे गए, कौम शुएब आमूरा और सदूम की बस्तियां, आले फिरौन, यहूदियों की तरफ हजरत ईसा को रसूल बनाकर भेजा गया था, इन्होंने रद्द कर दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रद्द कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उस सजा के मुस्तहिक हो चुके हैं, लेकिन वो सजा उनका रसूल ही उनको आकर देगा, इसीलिए उन्हें उठा लिया गया, एक पॉज आ गया है, मुस्तहिक तो हो गए थे उसी वक्त हजरत ईसा के जमाने में कि हलाक कर दिए जाए, लेकिन हजरत ईसा को, हजरत ईसा के जमाने में हजरत ईसा को उठा लिया और उनका मामला जो है वो मुलतवी कर दिया। अच्छा। जैसे किसी को फांसी की सजा तो हो जाए लेकिन अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, एग्जीक्यूशन जो है वो डेफर हो गई, यहूदी खत्म, ईसाइयत खत्म, और ईसा और ईसाई सब मुसलमानों के साथ शामिल होकर एक मिल्लत वाहिदा बन जाएगी। फिर अगला मरहला आएगा ग्लोबलाइजेशन का, हजरत मसीह के हाथों होगा वो, पूरी दुनिया में वो इस्लाम का निजाम कायम। बहुत बड़ी बात है, क्या बात है यार, मतलब इनकी वीडियो देख के फिर से एक बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे इनको सब कुछ पहले से पता है, उन्होंने कैसे कैसे सारी चीजें बताई कि कैसे रशिया जापान चाइना जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि आजकल क्या चल रहा है, सबको पता है कि आजकल न्यूज में क्या चल रहा है, सब देख रहे हैं, और मतलब वहां से सारी चीजें सारी फौजें वहां से चलेंगी और कैसे इमाम मेहदी जी की तरफ जाएंगी और कैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज होगा, मतलब उनको उन्होंने जो सारा कुछ बताया है शायद ये सब आजकल न्यूज में भी दिखाया जा रहा है, साइंटिफिक लोग भी मतलब ऐसे साइंटिस्ट भी ये सब कहते हैं कि जब कभी वर्ल्ड वॉर थ्री होगी तो ऐसा होगा, तो पर वही बात है कि मतलब जब आप किसी स्कॉलर के मुंह से सुनते हो और उसमें कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो साथ साथ वो आपको बताते रहते हैं कि तुम साथ साथ अल्लाह को याद कर लो, अपने रब को याद कर लो, तो वो चीज़ ज़्यादा सही लगती है। तो सच में मतलब ये बहुत अच्छी वीडियो थी आज की, इनसे काफी कुछ पता चला। वाकई में ये जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं इन्हें समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में और हर चीज
का काफी ज्यादा इन्हें एनालाइज करके इन्होंने ये प्रेडिक्शन दिया है। आई एम श्योर इन्हें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज भी है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सारे जो है लॉजिकल लॉजिक बताए हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, अगर वो बम का यूज करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने जितनी भी लॉजिकल बातें की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका प्रेडिक्शन हो सकता है कि ये सच भी हो। जैसे इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि जो फाइनली जो है सब इस्लाम धर्म में आ जाएगा, इस्लाम धर्म जो है वो एक यूनिटी में आ जाएगा और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन होगा। तो आई एम श्योर इन्होंने ये सब जो बातें हैं इनकी काफी ज्यादा एनालिसिस के बाद ही इन्होंने ऐसा प्रेडिक्शन किया होगा। वीडियो में काफी कुछ अच्छा था जानने के लिए और मुझे इनकी बातें हमेशा बहुत ज्यादा लॉजिकल लगती हैं, तो आज की वीडियो मुझे तो बहुत पसंद आई। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।